असाइनमेंट था, इसके अंदर मैच द कॉलम है। फर्स्ट हमें ये बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, और आपको डाउट नहीं आना चाहिए। इसके आंसर है ए का क्यू, बी का पी एस, सी का पी, डी का पी। क्लियर है? सेकंड, कोई डाउट? डी आ रहा है इसका, हाँ या ना? जीटर आयन का मतलब देखो, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर केटायन और एनायन दोनों हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ज्यूटर आयन के लिए क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। हमने ये करा था कि ये हमारे पास कंपाउंड है, यहां प्लस यहां माइनस, तो एक ही कंपाउंड में प्लस माइनस आना एक के अपने आप में क्या है? ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन एक ही कंपाउंड में प्लस माइनस, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी का क्या कहा जाए, कोवलेंट कंपाउंड में प्लस माइनस चार्ज आना ज्यूटर आयन है, और इसके डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, आर सी एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या ये ज्यूटर आयन बनाएगा? हाँ, क्योंकि एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, आर सी एन एच थ्री प्लस और सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, तो ये भी अपने आप में एक ज्यूटर आयन है। कोई डाउट? एक ही पार्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये ज्यूटर आयन है। तो दैट द डेफिनेशन ऑफ ज्यूटर आयन, लिख लो डीपीपी में। और क्या बेटा? सॉल्ट सी है, हाँ ये सॉल्ट है। नहीं देखिए, एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स आर टू फॉर फ्रॉम ईच अदर टू रिएक्ट, सो दे कैन नॉट फॉर्म सॉल्ट। तो कैन नॉट फॉर्म सॉल्ट, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, फॉर्म सॉल्ट होता तो सही होता, करेगा ही करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डाउट है? नहीं, आंसर डी जा रहा है, थ्री का डी। क्वेश्चन नंबर फोर, हमसे ये पूछा जा रहा है इस कंपाउंड्स के अंदर ई और जेड बताने हैं आपको। कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, कार्बन 14 है और यहाँ पर ई और जेड आपको बताने हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए? सबसे पहला काम तो ये कि हम नंबरिंग किस कार्बन को दें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें? हम उसको देंगे जहाँ से हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर देखा जाए वन टू थ्री, क्योंकि इधर भी वन टू है, तो बिल्कुल सही है, वन टू थ्री फोर, इधर जाएगा फाइव सिक्स और इस तरफ जाएगा, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये हमारे पास आंसर आएगा, ये सबसे लंबी चेन होगी। लेकिन नंबरिंग अपन यहाँ से करें, वन टू थ्री फोर फाइव। अब ड्यूटेरियम है और इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, खैर उससे कोई ऐसा नहीं है, सिक्स सेवन, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो हम इसको किस तरह से देखते हैं? एल्कीन की कंडीशंस हमारे पास है कि एक टू पर है और एक हमारे पास कहां पर है? फोर पर है। टू पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस जगह टू पर आपको इस जगह देखिए, वन टू, कौन ज्यादा सीनियर है? ये ऊपर वाला सीनियर है? अरे नहीं बेटा, नीचे वाला सीनियर है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है। एक भी क्लोरीन अटैच होती है तो उसकी सीनियरिटी दूसरे से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये ज्यादा सीनियर है और ये ज्यादा सीनियर है, तो ये क्या बना रहा है? जेड। तो आंसर क्या होगा? ई। बोलो यस और नो, चीज क्लियर है आपके लिए? ये क्या हो जाएगा? जेड दिख रहा है, होगा क्या आंसर? ई। दूसरी तरफ फोर पर अगर हम प्रायोरिटी देखें, जेड दिखेगा तो ई होता है, ई दिखता है तो जेड होता है, यही अपन ने बताया था। अगर कोई इस तरह से बन रहा है, क्या बन रहा है? ये जेड, तो आंसर होगा ई। और अगर कोई आइसोमर सिस बन रहा है इस तरह से, तो आंसर क्या होगा? ई बन रहा है, तो आंसर क्या होगा? जेड। क्लियर? तो
यहां पर हमारे लिए जेड बन रहा है तो आंसर क्या होगा, ई, यानी टू तो ई है हमारे पास, ये तो कंफर्म हो गया। अब बात आती है फोर पे, फोर पे हमारे पास इन दोनों में कौन सीनियर है, पहले कार्बन देखोगे या हाइड्रोजन देखोगे, कार्बन, तो ये नीचे वाला सीनियर है, और यहां पर भिड़ते ही आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ठीक है, तो नीचे वाला आ जाएगा, तो ये वाला जब नीचे वाला आएगा तो ये क्या बन रहा है, ई, तो आंसर क्या होगा, ये जेड, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ई फॉर जेड, आंसर गोज टू बॉम्बे। हाँ बोलो बेटा, CF3, और बेटा हमें इससे मतलब है कि एक भी एटम अगर हाई एटॉमिक मास वाला आ गया तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने एटम है उसके पास, प्रायोरिटी ऑर्डर वाली देखो आप मेरी क्लास के पूरे वीडियोस, आप अगर ये OH होता और यहां पर CCl3 होता, कौन ज्यादा सीनियर है, झापड़ खाएगा OH, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट नंबर ज्यादा है, कार्बन का कम है, पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन में लड़ाई होगी, तो यहां पर CF3 में कार्बन कार्बन टाई हो गया, अब इसके पास क्या आएगा, फ्लोरीन, कितना आएगा फ्लोरीन, एक, पहले एक एक करके आते हैं, और इसके पास आ गया क्लोरीन, एक, उस सबसे पहले तो कार्बन कार्बन, फिर इसका सबसे हैवी एलिमेंट आएगा और उसका भी सबसे हैवी एटम आएगा, ठीक है ना, तो सब अपना आप हैवी हैवी लेके आते हैं, तो ये इसका हैवी कौन आएगा, क्लोरीन, और इसका हैवी एटम सबसे कौन है, फ्लोरीन, एक, वो जीत गया, खत्म बात, उसके पास कितने फ्लोरीन है उसे मतलब ही नहीं है, जब वो पॉइंट ही ये आ गया कि हाँ हम जीत गए, हम सीनियर बन गए, तो फिर उससे मतलब नहीं है, समझ में आ रहा, वो तो तब जीता जब ये CF2 और Cl होता तो ये जीतता, Cl आया Cl आया टाई हो गया, अब ये हाइड्रोजन लाता ये फ्लोरीन लाता, ठीक है, और अगर यही चीज हमारे पास रहती है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल इंट्रैक्शंस विद रिप्रेजेंट हायर कॉन्जुगेशन इंट्रैक्शन, तो यहां पर भी हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए Among the following orbital interactions, which represent higher conjugation? Higher conjugation किस में होगा? ठीक है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास conjugation जब हम जानते हैं तो पहले तो ये बताओ कि hyper conjugation कहाँ interaction होता है? Hyper conjugation है वो, higher नहीं, hyper। वहाँ होता है sigma और atomic orbital। समझ में आ रहा है ना? Sigma और atomic। क्या ये sigma और atomic है? या सुनो, हाँ। ये sigma bond का कैसे पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड और एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा? ध्यान से देखो, बिल्कुल ये भी आएगा क्योंकि इन दोनों में कॉन्जुगेशन दिख रहा है। बोलो यस और नो। यहाँ ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये तो रेजोनेंस है, ये भी ये रेजोनेंस है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल वर्सेस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, रेजोनेंस, और एटॉमिक ऑर्बिटल वर्सेस हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए बी, क्लियर है। नेक्स्ट आंसर क्या जा रहा है इसका, फिर बोल रहा हूं ओपे माइनस ज्यादा स्टेबल है तो पहले ओपे माइनस लगा दो और फिर इस ग्रुप को देख लो जल्दी से, इस ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस एम, और इस ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्लस एम, लेकिन छोटा वाला प्लस एम क्योंकि ये लोन पे इधर भी है और इधर भी है, और इस ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा वाला एम, और जितना ज्यादा छोटा रहे माइनस रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, और प्लस एम में ये तो नंबर वन सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहेगा, और हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। अब इधर देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पक्का सब जगह रेजोनेंस बराबर जा रहा है, तो आप बताइए कि ये बस फर्क क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेजोनेंस का, क्या यहाँ रेजोनेंस है, नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, हाँ, तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है और यहाँ, तो ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, तो ये सही ऑर्डर है, आंसर बी जाएगा। इधर देखिए ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, जल्दी जल्दी देखिए, ओ माइनस से अटैच ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है या फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा एसिडिक ही होगा,
फ्लोरीन आती, फिर फ्लोरीन के बाद यहाँ फ्लोरीन आ रहा है और यहाँ पर फ्लोरीन आ ही नहीं रहा, उसके बाद ये और फिर उसके बाद सबसे बाद ये, तो ये भी सही है, यानी सी आंसर भी सही रहेगा। एच एफ एच टू और दिस, ये एक तरह से सबसे ज्यादा एफ माइनस स्टेबल है, फिर ओ माइनस है और फिर दिस एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये हमारे पास ये भी सही है। पक्का? कौन सा वाला बेटा? पहले वाले में ये बेटा, ये जो होता है ना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये इस तरफ जाता है पूरा और ये इस तरह से ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है या विड्रॉल डोनर है, तो ये अपने आप में क्या है? माइनस है। इसमें यहां से इस तरफ, हाँ तो हमें बेटा वो तो सभी जगह है, वो तो सभी जगह प्लस है मैं उस, लेकिन हमने जब यहां दे दिया तो अब हमारे को उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, उस O माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। उस O माइनस की स्टेबिलिटी किस तरह से होगी, कि बाकी के ग्रुप उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही है। वो अपने आप में बेंजीन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है वो अलग बात है, दूसरे ग्रुप उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालें कि वो दे दे आसानी से, हमें वैसे सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छे एग्जांपल्स हो गए हमारे साथ। नेक्स्ट, अब बताइए इसमें क्या पूछा था। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन लिक्विड फेस, ठीक है, तो लिक्विड यानी यहां वैसे एक्वास की बात करना चाहिए, ठीक है, जो भी यार लिक्विड दे दिया, तो हमारे लिए इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें रहेगा ये हमारे लिए सोचना है। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इनोल कंटेंट अगर हम बात करें तो इसका इनोल कंटेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए दिस OH OH। इसमें क्या करिए, इसमें क्या रहेगा सेकंड में, इसके अंदर यहां ये आ जाएगा क्या कहते हैं, और OH इसमें हमारे पास ये OH, और यहां हमारे पास एस्टर के अंदर तो वैसे ही इनोल कंटेंट सबसे कम रहता है, ठीक है ना, एस्टर और एमाइड बहुत कम देते हैं, तो या ना के बराबर ही देते हैं या देते ही नहीं है ऐसे समझ लीजिए, तो सबसे कम तो फोर होगा ही होगा, फोर सबसे कम किस में, इन दोनों में है, तो बाकी ये तो कट गया। अब हमारे को ये देखना है कि इनोल कंटेंट्स हमारे पास कहाँ ज़्यादा होंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा डायपोल देखा जाएगा, तो हमारे पास डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है क्या इन दोनों में, नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं होता, बीच में एक कार्बन होना जरूरी है, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऐसा क्या लग रहा है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन होगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन एक डायपोल अट्रैक्शन तो देखने को हमें मिल सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे को क्या मिलेगा, एक कार्बन बीच में होना चाहिए था, लेकिन एक अट्रैक्शन तो रहेगा, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वन, और में तो वो भी अट्रैक्शन नहीं है। अब बात आ रही है टू और थ्री के लिए, सही है, टू और थ्री की इनोल कंटेंट कोई खास ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जैसे जैसे प्लस एम इफेक्ट पड़ता है वैसे वैसे इनोल कंटेंट्स भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हमारे लिए आंसर में आप क्या लिखेंगे, इनोल परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम, तो यहाँ पर प्लस आई ज़्यादा हो रहा है, प्लस आई बस खत्म, एंड प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके अलावा एक और है प्रोपोर्शनल डायपोल अट्रैक्शन, सही है, और ये जो एक तरह से इनोल है ये क्या कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इन्वर्सली रहता है प्लस आर प्लस एम, कौन सी जगह प्लस एम दिख रहा है तेरे को, प्लस एम कहाँ दिखाई देता है, बेंजीन रेसी रिंग में, ठीक है ना, ये हमारे पास पहले ही हम कर चुके हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी नेचर ऑफ प्रोफीरीन, अरे यार हम सिर्फ बाउंड्री पे देखते हैं इस जगह, तो वन क्या बाउंड्री पे हमारे पास कंटिन्यू एस पी टू हाइब्रिडाइज है, देखते जाओ, यस पूरा कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां हमारे पास वन
टू थ्री जो बाउंड्री पे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। और कहीं से हमारे पास आ रहा है मदद? एक दो बाउंड्री पे, अगर सरकमफेरेंस पे हमारे पास पूरा एसपी या एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो और वैसे भी हमारे 18 आ रहा है, तो हमारा काम चल रहा है, तो इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। बीच में हो सकता है यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या ना हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे अब, लेकिन ये एरोमेटिक है। एलिल 18 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन पोरफीरिन विच सेटिस्फाई द हकल्स रूल, और यही हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है कि अबव कंपाउंड इज एरोमेटिक। इसीलिए ये स्टेबल है और इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम वही होते हैं जिनका स्टेबल होते हैं।